काफी प्रैक्टिकल चल रहा है तो वो आ नहीं सकता, इसलिए हम आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। Hello everyone guys, so this is Ayurvedic Dhruv Bansal and I am a first year BMS student at GAC Patiala and thank you so much for clicking on this video. So guys, आज सबसे पहले तो आप सभी को आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लाइक हमारे कॉलेज के अंदर NCISM की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है ना हमारा वो जो है आयुर्वेदा वीक मनाया जा रहा है और सबसे पहले हमारे जो है मेहंदी कंपटीशन हुआ था, ऐसे कंपटीशन हुआ था, उसके बाद जो है हमारा रंगोली कंपटीशन है एंड हमारा जो है उसके बाद शेफ कंपटीशन होगा और एक होगा हमारा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। तो वेलकम बैक गाइस, फिर से आ चुके हैं हम आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला में, मैं और मेरे साथ शिवा, हमें भूले तो नहीं है, हम वही हैं, अब वही हैं रामायण पाठ वाले जो ने आपको बताया था। आज हमारे कॉलेज में मेहंदी का कंपटीशन चल रहा है, आइए हम आपको बताते हैं अंदर क्या क्या चल रहा है, आइए मेरे साथ दिखाते हैं जल्दी आइए। अंजलि गुप्ता हमारी फर्स्ट पार्टिसिपेंट, शिवानी की मेहंदी लगाई जा रही है, मैम अंकिता मैम द्रवकुंड डिपार्टमेंट एमडी, बहुत ही अच्छी मैम है सेकंड ईयर में, इनसे आके आप जरूर एक बार पढ़िएगा क्योंकि ये हमारे प्राचीन यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री है। ये मिस्टर रोनिश, मिस्टर रोनिश गंद पहनते हुए कॉलेज से पहले इसका स्टॉल होता है, अब किसे ये बात, अभी इसके बाद ये जाके वहां पे स्टॉल भी लगाएगा जो मैंने सर में लगाता भी आप इसकी कुछ ही कुछ ही एडमिशन हो चुकी है तो ये बहुत ही स्लो काम है, बस ये काम बहुत स्लो कर रहा है, ये मिटा मिटा के इरेजर दे दो इसको। नेक्स्ट टेबल ये मिस्टर विनीत कुगु कोड़ियां बनाने लगे हैं, तब से लड़की का दूसरा हाथ गंदा कर दिया शरीफ करो इतने आगे बेइज्जती नहीं करनी लगा हुआ है अभी, चलिए धीरे धीरे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही लास्ट में। डॉक्टर अमिता के पास आ गए हैं हम, अब डॉक्टर शुभांगी के साथ बैठे हुए हैं, मेहंदी देखिए तैयार होकर बिल्कुल आपको ऐसी मिलेगी अभी चल रही है, मुझे लग रहा है ये भी विनर हो सकते हैं वैसे तो। थैंक यू, सोनी बहुत बढ़िया है, नहीं यार ये सच में बहुत सोनी। नेक्स्ट टेबल पर बहुत ही बढ़िया मेहंदी, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं हमारे कॉलेज में, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हमारे कॉलेज में बच्चों। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रीति, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेहंदी के लिए। डॉक्टर साक्षी वॉलंटियर कर रहे हैं अपने, मैं हूँ और ये मेरे साथ है मेरा कैमरा मैन। हम बिल्कुल आपको लाइव अपडेट, हमारे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाले हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 दिन तक हमारे कॉलेज में कंपटीशन चलने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूँ, लोग आपको एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल आयुर्वेदिक ठेका पे जरूर मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे रामायण पाठ का जो वीडियो है और हमारे ये भी मेहंदी वाले अभी ये दर्शक हैं, बंदे देखिए कैसे खत्म हो गई है पर बंदे नहीं मिले, आप 5-10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़े होके मेहंदी लगाने की नौबत आ जाएगी। कौन बना रहे इधर आ की तरीका आंदा है हैं करना, हम फिर से आ गए हैं वापस, ये लड़की का चेक करना है, देखिए इतनी अच्छी कलाकृति मैंने जिंदगी में, ये मेरे लड़की कम घोड़ी जा नहीं नहीं लड़की लग रही है, उसने नाक पहनी है नाक में अच्छा वो सजी में घोड़ी देखी, जो बेचारे सुबह गए 7 बजे से, जो बेचारा सुबह 7 बजे से लगा हुआ है मेहंदी बनाने, बहुत बढ़िया मेहंदी बनाई है, उनके जो कस्टमर है उनको उनकी मेहंदी पसंद नहीं आई, कस्टमर चेंज करो,
बहुत ही बेकार कोशिश बहुत की थी पर कोशिश बहुत तो होना है था बोले ये चलो की जगह उधर होगा अभी मैं ही बनाया और लोग वालों मैं बनाया चल चल मेड बाय नेवर कांटेक्ट दिस मैन की वाला नेवर आई एम वार्निंग यू आ बंदे ने कभी कांटेक्ट नहीं फुली डिसअपॉइंटेड कस्टमर दिस कस्टमर इज वेरी बैड इज यार लग जाती है वो एक हाथ है कितनी बढ़िया एक हाथ है इसका आर्टिस्ट है ये देख आओ ये आधे का हुआ यार हां हाथ तो दिखा आधा पैर के बाकी किसका इतनी बेइज्जती ना करते यार अगले दिन हाथ खराब करते 15 दिन हाथ खराब करते देख दे एक पास कितनी बढ़िया लगी है डॉक्टर साहब ने कितनी सोनी लाई है और इनको बिल्कुल डॉक्टर साहब तो अपने है ही आर्टिस्ट है डॉक्टर साहब हवा च जा रहे हैं अमूल बटन लग गया ये मेहंदी हाथ पे लगानी थी पैर पे कौन लगाएगा बहुत ही सुंदर मेहंदी फर्स्ट प्राइस और ये डॉक्टर मेहंदी फिर आ चुके हैं हमारे ब्लॉग में डॉक्टर मेहंदी फिर आ चुके हैं हमारे डॉक्टर मेहंदी आने की कोशिश कर रहे हैं पैसा मिलेगा हमें तो फिर ही आपकी प्रमोशन करेंगे नहीं तो मेहंदी साहब नहीं डॉक्टर साहब की और ये द आर्ट एंड द आर्टिस्ट आप देख सकते हैं एंड विलर और ये वॉलंटियर डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है मेहंदी लगवा के ठंडा ठंडा आप कुछ आप अपने आर्टिस्ट के बारे में लड़की है ये बहुत आगे जाएगी हाँ यहीं गेट तक जाएगी फिर वापस आएगी करवा चौथ का व्रत हैगा जिन्नी भी लेडीज ये ब्लॉग देखन गया जरूर रखो तो साडे का डिजाइन तुम्हें पसंद आ तो तुम भी ट्राई करियो इधर देखो इधर फिर से कोई अपनी आर्ट आर्ट नया डिजाइन लेके आए हैं और ये पीछे से लड़की बताई है इन्होंने फिर से नया डिजाइन लेके आते हुए पता नहीं ये बंदा और ये दर्शक भी आ चुके हैं देखने के लिए बहुत ज्यादा दूर से ये स्पेशल कनाडा से फ्लाइट लेके ये यूएसए से फ्लाइट लेके आए हैं तुम्हें इसकी विनीत की आर्ट देखने ये बनाने की कोशिश चल रही है अभी तक ये बना कोई बात नहीं बन जाएगा जरूर अच्छा ये बहुत मेहंदी इसलिए आपके अभी उस ले ब्यूटीफुल दे आर वर्किंग सो मच इतना एफर्ट लगा रहे हैं बेचारे इतने पेशेंस के साथ लगा रहे हैं पता नहीं कैसे बहुत पेशेंस चाहिए नॉन स्टॉप ना इतनी देर टायरलेसली मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सुंदर तो आप ही की है
सो गाइस आज जो है हमारा रंगोली कंपटीशन है एंड लाइक चलो आपको दिखाने चलते हैं आजा। अब बेली जनता कोई काम नहीं कर रही जीतेंगे हैं। अच्छा इधर बारे थोड़ा दसो। ये बेसिकली हर दिन हर दिन चले हमें बेसिस है जो हम पूरे दिन से परफॉर्म करते हैं। हाँ सुबह सारे ब्रश मेकिंग सारा कुछ करने का सारा निकलता है। मेन हमारा फोकस है योगा के ऊपर क्योंकि एक्सरसाइज इज द मोस्ट थोड़ा समझाओ कि हमारी बॉडी पांच तत्वों से मिली हुई है। देखो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और सप्त चक्र होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे एक एक अंग को या एक एक मूलाधार फिर ऊपर है स्वाधिष्ठान ऊपर मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार चक्र। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੀਵੇ ਲਾਤੇ। डॉक्टर साहब बताओ थोड़ा। हमारे रंगोली में हमने अष्टांग आयुर्वेद को रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आठ अंग हैं आयुर्वेद के। सबसे पहले हमारी काय चिकित्सा को रिप्रेजेंट कर रही है जो मूसली है। फिर हमारा जो आप ये बेबी बना है ये हमारा बाल चिकित्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह हमारी है ग्रह चिकित्सा जो कि मन की चिकित्सा होती है। फिर यह है ऊर्ध्वांग की चिकित्सा मतलब जो हमारे ENT हो गया ठीक है। और फिर ये है हमारे शल्य मतलब सर्जरी। देन हमारा है अगर चिकित्सा जो कि पोजन वगैरह की चिकित्सा होती है। फिर ये हमारी आती है जरा चिकित्सा मतलब हमारे जब एजिंग में हम कैसे एजिंग को रोक सकते हैं रसायन का उपयोग कर। और आखिर में आती है हमारी वाचिकरण चिकित्सा जिसमें हमने स्पर्म और ओवम को रिप्रेजेंट किया है। ओवरऑल ये सेंटर में हमारा चरक हमने शो किया और ये अष्टांगा
अच्छा जी की बनाया कड़ा देखो ये बनाया सी योगा का अच्छा जो आयुर्वेद है पतंजलि जी ने दसा हुआ है कि योगा बड़ी जरूरी है शरीर वास्ते बिना दवाई तो थोड़े सारे लोग दूर कर लेंगे सो उसी को दर्शाते हुए मैं क्वेश्चन है कि सवेरे उठ के हमेशा खाली पेट इन्ना भाव खाने की लड़ नहीं थोड़ा छेती छेती उबर ले जा सकता है बाकी छेती छेती बोले तो फिर कम नहीं बनता बाकी बहुत सोना बनाया जी सिरा ला रखी है मैंने आपने बताया कि